अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94249588। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और आपको ले चलेंगे क्राइम खबरों की तरफ, जहां रीवा शहर से लगातार औरतों का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं, वहीं वारदात पर वारदात लगातार होते चले जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर गौरव वर्मा ने एक तरफा प्यार में युवती का अपहरण कर लिया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक चौंकाने वाला जो मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। आम आदमी पार्टी से जुड़े और सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके गौरव वर्मा ने एक तरफा प्यार के चलते एक युवती का अपहरण कर लिया, उसे बंधक बना लिया है। यह मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने युवती को सस्ते लैपटॉप का झांसा देकर अपनी कार में बैठाया। इसके बाद उसने युवती के हाथ पैर बांध दिए और उसे अलग अलग स्थानों पर घुमाने के बाद एक सुनसान घर ले गया। घर में बंद करने के बाद गौरव वर्मा लगातार युवती पर शादी का दबाव बनाता रहा। गौरव जो कि पहले से शादीशुदा है, लेकिन युवती के प्रति उसका आकर्षण बढ़ गया और अपनी मनमानी पूरी तरीके से करने पर उसने इस खतरनाक साजिश को अंजाम दे दिया। कौन है आखिर में गौरव वर्मा, सवाल तो पहले ये उठता है। तो आपको बताएंगे, गौरव वर्मा पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने दिल्ली की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में काम किया था। 2018 में उसने अपनी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी के टिकट पर रीवा विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव में हार के बाद उसकी आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी हालत काफी गंभीर है। इसके बाद वह लगातार गलत रास्तों पर चलने लगा, जहां घटना के दौरान युवती के आखिर इस पूरे चक्कर में किस तरीके से युवती को प्रताड़ित किया, पूरी वारदात बताएंगे हम। घटना के दौरान युवती ने बताई कि आखिर में कैसे बचाया उसने जान। जब गौरव वर्मा और उसके साथी निखिल साकेत और सनी साकेत खाना लाने गए के लिए जब घर से बाहर निकले, तो ड्राइवर ने मौके का फायदा उठाकर कमरे का दरवाजा खोला और युवती को आजाद कर दिया। इसके बाद युवती अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दी। तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। रीवा के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कई थानों की पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया। विशेष टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए गौरव वर्मा और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के साथ देखा जाए तो जिस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उस पर भी कहीं ना कहीं आम जनता का संशय का विषय बना हुआ है। जहां आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त कार, रस्सी, काले कपड़े, टेप और चाकू भी बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में तीनों अपराधियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात जो है अभी जारी है, जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस घटना ने रीवा के नागरिकों को झकझोर कर रख दिया है और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये उठते हैं कि आखिर में गौरव वर्मा का राजनीतिक जुड़ाव इस मामले की जांच में प्रभाव डालेगा क्या या फिर नहीं? क्या पुलिस इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सख्त कार्यवाही कर पाएगी, सुनिश्चित या नहीं? इस घटना ने साफ कर दिया है कि प्यार के नाम पर कोई भी इस हद तक गिर सकता है कि गौरव वर्मा जैसे पढ़े लिखे इंसान द्वारा किए गए इस अपराध ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या इस मामले में न्याय मिल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन रीवा जैसे शहर में लगातार औरतों का सुरक्षित ना होना, उनके साथ कोई भी वारदात या घटना घट जाना, ये कहीं ना कहीं ये संशय का विषय है कि आखिर में क्या हो रहा है रीवा शहर में, आखिर में औरतें सुरक्षित है भी या नहीं। मिली थी कि एक लड़की है और उसने का एक मैसेज प्राप्त हुआ उसके घर पे, और जो घर वालों के हिसाब से वो उसकी लैंग्वेज नहीं थी, तो जिसके आधार पे तत्काल ही पुलिस टीम एक्टिवेट कर दी गई थी। थोड़ी देर बाद लड़की की लोकेशन हमने जब पूरी जानकारी निकाली गई, तो पता चला कि लड़की अपने घर
पहुंच गई है। उसको तत्काल फिर जब संपर्क किया गया तो उसने फिर पूरा घटनाक्रम जो बताया था उसमें उसने बताया कि एक जो उसके परिचित का निखिल वर्मा है, गौरव वर्मा है, उसने उसको कुछ सामान खरीदने के बहाने उसको बुलाया था, उसके साथ फिर घूमा और उसके उपरांत उसका हाथ पैर बांध करके एक अपने दो अन्य साथियों के साथ उसका हाथ पैर बांध करके और उसको एक कमरे में बंद कर दिया था। और जिसके बाद फिर वो एक ड्राइवर की जो ड्राइवर था गाड़ी का उसकी मदद से और अपने उसे वो वहाँ से निकल के भाग पाई थी और अपने घर पहुँच पाई थी। और जिसमें जैसे ही पूरी जानकारी लगी तत्काल ही पूरी टीम इसमें एक्टिव कर दी थी। उस समय तत्काल गश्त में SDOP डभौरा रूपेंद्र दुबे थे और उनके साथ फिर TI विश्वविद्यालय और SO बिछिया और CSP शिवाली, इन सभी लोगों ने मिलकर फिर तत्काल ही आरोपियों को पकड़ा। और जिसमें फिर तीन आरोपियों के नाम है इसमें गौरव वर्मा, शनि साकेत और निखिल साकेत, और इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके और इसमें अब अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसमें धारा 366 और 365 के अंतर्गत इसमें मुकदमा पुरानी धाराओं में इसमें दर्ज किया गया है और धारा 34 के अंतर्गत। अभी हमारी जानकारी ऐसी नहीं है, लेकिन गौरव वर्मा एक जो उस लड़की को जानता था उसके साथ पहले काम कर रखा है और उससे तभी बातचीत होती है, संभवतः एक तरफा प्रेम प्रसंग का ये विषय था। इसमें बंधक बना के किराए का मकान इन्होंने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में ही था, वहीं पे किराए का मकान लिया था, वहीं पे उसको बंधक बना के रखा था। तीनों आरोपी गिरफ्तार है। जिस तरीके से खुलेआम कोई भी कांड कर देता है ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि पुलिस का डर साफ तौर पर कानून का डर लोगों को रहा ही नहीं। वहीं एक पूर्व जो कि प्रत्याशी अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी रह चुका जो ये व्यक्ति है, हालांकि हार मिली थी इनको, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से देखा गया कि हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि किसी औरत को इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उसको अपने गिरफ्त में लेना और उसको अपहरण करके उसके साथ कुछ भी मनमानी करना। लगातार बने रहें तरंग न्यूज पर, फिर आपसे मिलेंगे एक बड़ी वारदात बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद। अरे अरे, कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।